अब देखो इस तरह से ही जो है ना मेरी त्योहार की तैयारी हो रही है। सिंपल से फैब्रिक से अच्छी अच्छी चीजें कैसे बना सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है फैब्रिक के कलर पर। एक ये रेड कलर का सेमी सिल्क का फैब्रिक है जो कि करीब 2.5 मीटर है और इससे मैं ढेर सारी चीजें बनाऊंगी और लगभग एक रूम और लिविंग एरिया को बहुत ही सुंदर सजा लूंगी। तो आपके पास अगर कोई साड़ी का पीस है, सिल्क का दुपट्टा पुराना पड़ा है, तो उसको यूज करिए और इसी तरह चीजें बनाइए। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और सबसे पहले बनाते हैं एक मसंद का कवर, स्टाइलिश वाला। मैंने ये फैब्रिक लिया है, इतना मैं इसे कट करूंगी। यहाँ पे मैंने बीच सेंटर पे रखा, जहाँ पे बांधते हैं पूरा ये सर्किल आता है यहाँ पे, और इस पूरे फैब्रिक को मैं यहाँ लेकर आई और यहाँ तक बीच सेंटर में रख लिया। ये हो गया पूरा फैब्रिक, देखिए बिल्कुल बराबर नाप से। अब दोनों तरफ 2-2 इंच मैं छोड़ दूंगी, 2-2 या 2.5-2.5 इंच दोनों साइड में एक्स्ट्रा लूंगी। यानी यहाँ पे मैंने लिया है तो इतना फैब्रिक मैं और एक्स्ट्रा ले लूंगी। देखिए इतना करीब, ये करीब ऐसे 3 इंच के करीब है, यहाँ पे ले लूंगी क्योंकि यहाँ मुझे मोड़ के नेफा बनाना है जिसमें मैं रिबन, नाड़ा या कोई डोरी डालूंगी, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ लेना है। तो इसको मैं करती हूँ नाप के कट। और ये कट कर लिया मैंने नीचे की लाइनिंग के लिए, ताकि ये कपड़ा मजबूत रहे, मतलब इसे अच्छी तरीके से अगर मसंद को यूज करें तो भी ये खींचे नहीं। ये थोड़ा सा सेमी सिल्क टाइप का फैब्रिक है, ये तो हमारा अस्तर का कपड़ा है, इसके ऊपर सीधा करके मैंने इसको ऐसे रख दिया। ये तो आपने देख लिया कि साइड से हम जो फैब्रिक कट करेंगे वो कितना बड़ा कट करेंगे, लेकिन अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये फैब्रिक इतना होना चाहिए कि मसंद को पूरी तरीके से कवर कर सके। हाँ, इसे अगर आप ढीला रखेंगे थोड़ा सा तो चुन्नटें पड़ जाती हैं कवर में, लेकिन क्योंकि सिल्क का थोड़ा सा स्लीक लुक अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इतना चौड़ा लिया कि ये मसंद को कवर कर सके। और साइड में देखिए इस तरह से मोड़कर अब मैं बना लूंगी नेफा जिसमें कि डोरी डालेंगे। सिंपल बिल्कुल ये तरीका रहता है मसंद बनाने का। और नेफा बनाने के बाद देखिए इस तरह से साइड में बन गया। अब हम जो इसका बीच का पार्ट खुला हुआ है ना, उसमें सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से किया मैंने कवर, और यहाँ बीच में हम सिलाई मार लेंगे। और मसंद का कवर बनाना ना इतना ही आसान है, और इसे बनाने में ना काटने में 10 मिनट लगते हैं और सिलने में 10 मिनट लगते हैं। तो देखिए ये सुंदर सा पीस रेडी हो गया। अब जो मसंद की डोरी है जिससे हम इसे साइड्स में बांधेंगे, उसमें मैंने लटकन लगा दी है और उसमें मतलब डोरी डाल दी है। लटकन कैसे बनाएंगे आगे अभी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो लटकन वगैरह लगाने से और बीच में सिंपल फैब्रिक रखने से, जो कि ब्राइट कलर का है, एक बहुत ही अलग सिल्क के कवर का लुक आता है। बहुत ज़्यादा इसमें मैंने लेस वगैरह नहीं लगाई। अगर आप फ्रिल वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो इसमें बीच की सिलाई करने से पहले लगा सकते हैं। और अब इसी फैब्रिक से बनाने जा रही हूँ मैं कुशन कवर्स, क्योंकि ये मैं जिस एरिया में लगाने वाली हूँ वहाँ रेड जो है ना डोमिनेटिंग कलर है। तो बड़े वाले जो कुशन होते हैं जिनका कि साइज 24 इंचेस बाई 24 इंचेस होता है, उसका कवर मैं बना रही हूँ। और क्योंकि कुशन कवर्स बनाना मैंने आपको अपने बहुत सारे वीडियोज़ में दिखा रखा है, इसलिए पूरा डिटेल इसमें मैंने नहीं बताया। हाँ, सिल्क का जब कभी भी कोई आइटम मैं बनाती हूँ तो उसके नीचे अस्तर ज़रूर लगाती हूँ, यानी कि लाइनिंग। तो इस तरह से ये बहुत ही ब्राइट रेड कलर के बिल्कुल फेस्टिवल के लिए मैंने बड़े वाले कुशन कवर के लिए कुशन्स, बड़े वाले कुशन्स के लिए कुशन कवर रेडी कर लिए।
और इन वाले कुशन कवर्स के साथ पेयरअप करने के लिए यानी लगाने के लिए मैंने प्लेन गोल्डन कलर के छोटे वाले कुशन कवर्स भी बनाए हैं और वो भी अभी आगे किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो ये रेड कलर के साथ जब वो छोटे गोल्डन कलर के कुशंस लगेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। और कुशन कवर्स तो आप तब भी बना सकते हैं जब आपके पास मशीन नहीं हो, और मुझे ऐसा लगता है ये सिलाई का ना सबसे आसान काम है। और अब मैं बना रही हूँ एक रनर जो कि बहुत ही सुंदर लगने वाला है, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो ये बन चुका है। इसके लिए भी मैंने जितना भी लंबा फैब्रिक निकल सकता था उतना लंबा पीस निकाला ताकि इसको कभी मैं बेड पे या कभी किसी टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे भी मैं लगा सकूँ। नीचे लाइनिंग इसमें लगानी थी, तो लाइनिंग जब कभी भी बड़े कपड़े पे लगाएं तो उसे ज़रूर से पिनअप कर लें, नहीं तो झोल आता है। तो देखिए मैंने अच्छी तरीके से चारों ओर इसे पिनअप करके जब इसमें सिलाई करी ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट आया। यानी जब इसे बिछाएंगे किसी मेज पे ना या टेबल पे तो बिल्कुल भी इसमें झोल दिखाई नहीं देगा। तो देखिए ये बैक का पार्ट था और ये है फ्रंट का पार्ट, बिल्कुल परफेक्ट बन गया। और अब मैं बनाऊंगी साइड्स में इस तरीके से कॉर्नर, तो मोड़ के मैंने सिलाई कर ली यहाँ पे। तो सबका ये बनाने का तरीका अलग है, जैसे कुछ लोग पहले कट करके भी बना सकते हैं आप लोग, लेकिन इस तरह से बनाने में ना बिल्कुल सफाई बहुत अच्छी आती है और मतलब शेप अच्छी आती है। तो थोड़ा मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। तो देखिए परफेक्ट कॉर्नर्स भी इस रनर के निकल आए। और अब यह है एक लेस जिसको कि मैंने नीचे की तरफ से इस तरह से लगाया कि ऐसा लगेगा जैसे रनर में ना साइड्स में मोती लगे हुए हैं, और सिर्फ इतना ही लगाने से ना इसकी खूबसूरती 100 गुना बढ़ गई। देखिए लग ही नहीं रहा कि ये हमने घर पे बनाया है, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन से और एक लेस से एक बहुत ही खूबसूरत रनर रेडी हो गया। लेकिन हाँ, अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ लटकन, जिसको कि आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, और ये मैं बना रही हूँ इस रनर के लिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं कुछ इस तरह के, और इनके बीच में मैं लेस लगा रही हूँ। और उसका रीज़न ये है कि ये फैब्रिक प्लेन है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा फैब्रिक लेते हैं जो कि जिसमें कि खुद ही एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो रही है तो लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने इस तरह से ना ये छोटी छोटी पॉकेट्स बना ली, देखिए इतनी बड़ी, और ये मैंने काफ़ी सारे पीस बना लिए हैं। हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपका जो कपड़ा है, फैब्रिक है, वो खूब कढ़ाई वाला है तो ये लेस लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और ये बचे हुए फैब्रिक से भी मैंने इस तरीके से ट्रायंगल वाली एक शेप बना ली। और अब इनके अंदर कोई भी पुराने कपड़े की कतरन हो या रुई हो, कॉटन जो भी हो, वो इसमें भर लीजिए और आगे से इसको बंद कर दीजिए, तो बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे से कुशंस रेडी हो जाएंगे। बस इतना ही काम होता है लटकन बनाने के लिए, और बहुत आराम से ये बन जाती हैं। देखिए कुछ इस तरह से बनी है। वैसे मैंने अपने वीडियोज में आपको अलग अलग तरीके की लटकन बनाना बता रखा है। और बस अब क्या करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल सामान हो, जैसे मोती हुए, छोटे बड़े, उन सबको डालेंगे ताकि इसे हम हैंग कर सकें। तो मेरे पास जो सिर्फ मोती थे ना, उतने ही सामान को मैंने इसमें यूज़ किया, और 3 अलग अलग हाइट के, देखिए इस तरीके से कुछ छोटे कुछ बड़े मोती इसमें डाल के मैंने इस तरह से ये रेडी कर लिया, और इन सबको एक मेन पीस में इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली। हो गई ना लेस तैयार, लटकन तैयार, और फिर इसको मैंने रनर में ऐड कर लिया। वैसे अगर आप चाहें तो लटकन बनाने का छोटा मोटा सामान किसी भी क्राफ्ट की शॉप पे मिल जाता है, और उससे और भी सुंदर लटकन रेडी हो जाती हैं। तो देखिए ये है रनर, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और ये बिल्कुल साधारण सी सिंपल सी मैंने लटकन बनाई, और जब मैं इसे लगाऊंगी ना तो क्या कहने, मज़ा आ जाएगा। और जो लटकन होती हैं ये तो ना बिल्कुल जो छोटे मोटे कपड़े के पीस जब सिलाई वगैरह करते हैं घर में तब बच जाते हैं ना, उसी से बन जाती हैं। तो मैं संभाल के रख लेती हूँ जो अच्छे वाले पीसेज होते हैं। और तो देखो कितना सुंदर ये लग रहा है, मतलब रियली बहुत प्यारा लग रहा है। एक ऐसी चीज बन के तैयार हो गई जो कि मैंने भी नहीं सोची थी कि इतनी सुंदर लगेगी। तो ये हो गया एक शाही रनर, देखो कितना प्यारा। और अगर हम इस तरीके के मतलब फैब्रिक में लेने जाएंगे ना रनर को, तो बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं ये।
रही हो तो याद होगा 3 साल पहले जब मैंने आप लोगों को ये ट्रायंगल कुशन बनाने सिखाए थे, ये फिलर भी था और इसका मैंने कवर भी बनाना आपको बताया था। अब मुझे इसके कवर दोबारा सिलने हैं क्योंकि ट्रायंगल कुशन बहुत अच्छे लगते हैं। और इनको कैसे बनाते हैं बिल्कुल देखो आसान है, नहीं तो पुराना वीडियो देख लेना, एक ट्रायंगल काट के उसमें मैंने फाइबर भर दी थी और ये देखिए इस तरह से फिलर बनाया था। और इन कुशन कवर्स को बनाने के लिए ना मेरे पास ये पीस है, इसका यूज करूंगी, ये एक फैब्रिक है। ये देखिए मैंने इस तरह से ये वाला फैब्रिक कट कर लिया है और ये एक तरफ से ना जुड़ा हुआ है यहां से। अब हमें कितना बड़ा बनाना है ये उस हिसाब से आप ले सकते हैं। जो नीचे का बेस है वो इतना बड़ा आएगा जितना बड़ा ये नीचे मैंने छोड़ा है। अब देखिए इस फैब्रिक को मैं रखती हूँ यहाँ और अब आपको बताती हूँ कि कुशन कवर को कट कैसे करेंगे। ये पीस नीचे की तरफ से जुड़ा हुआ है और यहाँ से हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसके बीच के पॉइंट पे लाइन खींचेंगे। उसके लिए हमने इस पीस को बिल्कुल हाफ इस तरह से फोल्ड किया, मोड़ लिया और एक निशान लगा लिया यहाँ पे और फिर देखिए नीचे इस तरह से मिला दिया तो ये बन गई एक ट्रायंगल की शेप। और हम इसको कट कर लेंगे और जितना बड़ा आप बनाना चाहें उतना बड़ा आपको बेस का एरिया, जो नीचे वाला एरिया है ना, वो लेना पड़ता है। तो अगर आप काफ़ी बड़े बनाना चाहते हैं वो बस इस बात का ही ध्यान रखिएगा। मुझे थोड़े छोटे बनाने हैं इसलिए मैंने इतने बड़े लिए हैं और ये एक शेप रेडी हो जाती है जो कि नीचे से जुड़ी हुई है। और ये है देखिए दूसरा पीस, सेम कलर का ही मैंने लिया और इसका ना मैं बनाऊंगी एक, मतलब इसमें फिलर मुझे बनाना है ताकि इसके अंदर मैं भर सकूं रुई वगैरह, तो इसलिए मैंने इसको भी सेम नाप का कट कर लिया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक तरफ से मतलब जुड़ा हुआ हो, बस हम इसको सिल लेंगे और इसमें हम रुई भरेंगे ताकि हमारी एक गद्दी जिसको बोलते हैं, एक कुशन जिसको बोलते हैं, वो ट्रायंगल शेप का रेडी हो जाए। साइड से थोड़ा सा खुला छोड़ा है बेस में से जो नीचे वाला पार्ट है और बाकी देखिए इस तरह से है। अब इसमें भर लेंगे, यहां से थोड़ा सा खुला छोड़ा है और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इसमें छोड़ा है। और अब इसमें भरनी थी रुई, तो जो मेरी पुराने वाले कुशंस थे ना, ये ट्रायंगल वाले, इनको मैंने खोल लिया और इनकी रुई को मैं सही कर लूंगी। या तो आप इनको कुछ दिनों बाद धूप दिखा दीजिए, जैसे ये मैंने 3 साल पहले बनाया था, तो देखिए रुई कैसी हो गई है। ये फाइबर है, इसको आप किसी कोम की मदद से यानी कंघी की मदद से या हाथों से इस तरीके से करेंगे तो रुई फिर से फूल जाती है, सही हो जाती है और धूप में रखने के बाद जो भी इसका मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है। तो आपके पास अगर कुशंस हैं और वो पिचक गए हैं ना, तो कुछ इस तरह से करिए। और फिर मैंने इसको जो मैंने बनाया था ना, एक रुई भरने के लिए फिलर बनाया था, उसके अंदर मैंने इसे डाल दिया रुई को अच्छी तरीके से और फिर हम इसके साइड्स को सिल लेंगे। अब हमें सिलने हैं कवर और ये एक साइड से यहां से जुड़े हुए हैं, हम इसको करेंगे उल्टा और इसे उल्टा करने के बाद दोनों तरफ से बंद कर देंगे। अब आप बोलोगे फिर तो ये पूरा बंद हो जाएगा, नीचे से तो बंद है ही, साइड से भी बंद कर देंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूं। ये पूरा सिल गया सब तरफ से, अब ये बंद है, नीचे से भी बंद है और साइड से भी हमने बंद कर लिया है। अब इसमें क्या करेंगे बताती हूँ। और अब मैंने ली है ये वेलक्रो। वेलक्रो क्या होती है, इसे हम लगाते हैं ना, ये आती है इस तरीके की, दो पार्ट में आती है और इस तरह से होती है। एक को एक तरफ लगा लेते हैं, एक को एक तरफ लगाते हैं और फिर हम इसे इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो मैं ये लूंगी और इसको इसमें लगाऊंगी ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। जो हमने ये कुशन कवर बनाया है इसमें नीचे से थोड़ा सा ऊपर लिया करीब 5 इंच और मैंने एक लाइन खींच के यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाया और मैं यहाँ पे काट लूँगी, एक पूरी सीधी लाइन कट कर लूँगी और फिर इसके ऊपर मैं वेलक्रो लगाऊंगी और इतनी ही बड़ी मैंने वेलक्रो कट कर ली है। और बीच में थोड़ा सा छेद करके देखिए मैंने ऊपर से ही इसमें पूरी कटिंग करी है। और ऐसा करने का रीज़न ये है कि इससे इस तरह के कुशंस की जो मतलब जो शो आती है ना वो बहुत अच्छी आती है,
बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है। देखिए इस तरह से ये खुल गया है और यहाँ से हम गद्दी जो या कुशन है वो डाल देंगे। और अब इसके ऊपर हमें लगानी थी वेलक्रो, और देखिए वेलक्रो को मैंने दोनों पार्ट में खींच के अलग कर दिया और इस तरह से ऊपर से मैं लगा दूंगी यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकाल के, ताकि इसमें ये चिपक सके। और इस लगाना बिल्कुल आसान है, तो दोनों ही साइड में इस तरह से मैंने वेलक्रो लगा दी। ये पीछे लगा लिए मैंने दोनों साइड वेलक्रो, और अब इसको मैं करती हूँ सीधा। और ये इस तरह से आ जाएगी। अब इसके ऊपर बंद करना है, इसे चिपका देंगे तो ये बंद हो जाएगी। देखो पीछे की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, ऐसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चेन लगी हुई है। तो अगर आपको चेन लगानी नहीं आती है तो वेलक्रो लगाइए, और सबसे बड़ी बात है जो साइड्स होते हैं वो बिल्कुल स्मूथ आए, इधर से भी और देखिए इधर से भी। अदरवाइज अगर हम इधर कुछ और इधर कुछ फैब्रिक लगाते हैं तो वो यहाँ से दिखाई देता है ट्राइंगल कुशन में, लेकिन इस कवर में देखो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो बन गया है ना, अब एक और बना लेती हूँ फटाफट। और इस तरह से मैंने ये दूसरा कवर भी बना लिया, और इतने ये सुंदर लग रहे हैं ना, और इनको फिलहाल तो मैंने अपने ड्राइंग रूम में प्लेस किया। इस तरह से पूरे दिन में मैंने छोटी छोटी चीज़ें करी और नेक्स्ट डे भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया फेस्टिवल की तैयारी के लिए। तो घर पे ही लाइए एक ब्राइट से कलर का फैब्रिक पीस और उससे बना लीजिए ढेरों चीज़ें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।